नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। शायद ही कोई होगा जिसने मुगले आजम फिल्म का ये गीत नहीं सुना होगा। हालांकि मुगले आजम और उस फिल्म के पीरियड की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, उस वक्त की चर्चा ऐसे हम हमेशा कर सकते हैं लेकिन आज नहीं होगी। तो आप सोचेंगे कि मैंने इस गीत के बारे में रेफरेंस क्यों किया। बात दरअसल है, आज के हिंदुस्तान में ऐसा लगने लगा है कि प्यार हो जाए तो डरना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने प्यार किया उनको तो डरना ही चाहिए, साथ ही उनको भी, उनके परिवार वालों को, उनके मित्रगण आदि आदि। लेकिन खास तौर से उनको भी डरना चाहिए जो इस प्यार के बारे में मीडिया में चर्चा करते हैं या फिर इस प्यार को पॉजिटिवली डिपिक्ट करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक हाई एंड ज्वेलरी स्टोर कनिष्क, उसने एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में एक परिवार की बहू की गोद भराई सेरेमनी, जिसको बेबी शावर भी कहते हैं, उसको फिल्माया गया है। जैसे कि ऐसे अवसरों में होता है, ऑल राउंड हैप्पीनेस एंड जॉय। इस तरह के शुगरी एडवर्टाइजमेंट्स कोई नई बात नहीं है, आम बनते रहते हैं। जिंदगी से कटे हुए किसी चीज को बेचने की कोशिश होती है। परिवार लेकिन इसमें मुस्लिम है और वही इस विज्ञापन का स्पिन का कारण बन जाता है। परिवार मुस्लिम है, होने वाली मां लेकिन हिंदू है। विवाह अंतर विश्वास या फिर इंटरफेथ है और अनुष्ठान लेकिन प्योरली हिंदू है। बहू सास से पूछती है, लेकिन ये रिवाज आपके तो नहीं है। सास जवाब देती है, बेटियां के लिए सभी रिवाज अपने बन जाते हैं। यही हिंदुस्तान की प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन है, दूसरों को अपना बनाना और दूसरे के ट्रेडिशन में अपने आप को ढालना। कोई इसको गंगा जमुनी तहजीब कहता है, कोई इसको कॉम्पोजिट कल्चर बोलता है। हिंदू राष्ट्रवादियों ने इस विज्ञापन की तारीफ तो नहीं ही की, लेकिन उसके साथ साथ इस पर बहुत ही एक विरुलेंट अटैक माउंट किया। एक ट्विटर यूजर जिनका नाम हार्दिक भावसार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको ट्विटर पर फॉलो करते हैं, उन्होंने बहुत ही प्रोवोकेटिव किस्म से ट्वीट किया अपने 1.2 लाख फॉलोअर्स को। ये उन्होंने लिखा कि अब आप सभी जानते हैं कि क्या करना है, आप सब समझते हैं कि वास्तव में वह क्या कहना चाह रहा था, अपने एडमायरर्स को क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे। इंटरनेट हिंदू सक्रिय हो गए और ट्रोलिंग का एक और दौर शुरू हो गया। औसत इंटरनेट हिंदू हर सुबह उठता है और उस दिन के लिए अपना लक्ष्य या टारगेट तय कर लेता है, आइदर ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन और एट द बिहेस्ट ऑफ समवन लाइक भावसार। धमकी सिर्फ इंटरनेट पर ही नहीं दी गई इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बल्कि फिजिकली भी दी गई। कई संघ परिवार के स्थानीय इकाइयों ने कनिष्क के जो शोरूम थे उनको थ्रेटन किया, कहा कि एपोलॉजी नहीं देंगे तो हम तोड़फोड़ करेंगे। कहा गया, विज्ञापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है। Their anger was directed at the fact
that the husband of the pregnant woman was a Muslim man while the woman was a Hindu girl. Tanishq company ne kuch hi dinon mein surrender kar diya aur vigyapan withdraw kar liya. Aur is tarah se Hindu majoritarianism ko ek aur victory hasil ho gayi. हिंदुत्व समर्थकों द्वारा लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आगे बढ़ाने का अभियान कोई नई बात नहीं है. ऑल्दो पिछले 10 वर्ष में इस प्रोसेस में तीव्रता आई है, अभियान लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है. हिंदुत्व विचारधारा के जो कोडिफायर थे विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने 1927 में एक नाटक लिखा था. लिटरेचर कम था, ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा था. नाटक का नाम था संगीत उनश्राप और सावरकर ने एक खलनायक मुस्लिम चरित्र बंगश खान बनाया था. उस कैरेक्टर से एक मोनोलॉग कहलवाया था, मैं पढ़ के सुनाता हूं. The more I abduct Hindu girls and include them in my zanana, the more my respect among Muslims enhances. I have corrupted so many Hindu girls and made them my mistresses that hundreds of Muslims consider me a true missionary. Savarkar ne isse pehle 1926 mein ek upanyas likha tha, What Do I care? उपन्यास में सावरकर ने ग्राफिक विवरण दिया था कैसे मुस्लिम पुरुषों ने हिंदू महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मोपला रिबेलियन के दौरान किया था. मैंने अपनी पुस्तक द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट में लिखा था, इन सावरकर्स प्रेजेंटेशन द रिलेशनशिप बिटवीन Muslim men and Hindu women was based on sexual violence against the latter represented as fields to wage a demographic battle. ध्यान रहे, ये सब सावरकर ने तब लिखा जब वो रत्नागिरी में बंदी थे. सावरकर के बाद इसी दृष्टिकोण को अदर हिंदू थियोरिस्ट ने पब्लिसाइज किया. But even before Savarkar, there were efforts to show that Muslim intentions were evil. Shuddhi ke liye abhiyan aur Hindu sangathan banane ki avashyakta par Arya samaj ne zor dala. Hindu auraton ki loot aur Hindu striyon ke loot ka karan in titles jaise pamphlets 19th century mein aam distribute hote the. Inme madhyakalin मिडेवल मुस्लिम एम्परर्स को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता था. यह कहा जाता था कि वे हिंदू महिलाओं को उनका अपहरण करते हैं और उनका रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाने में मदद करते हैं. ग्लोबली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन ऑफ द अदर कम्युनिटी हैज हिस्टोरिकली बीन अ टैक्टिक इन एपिसोड्स of mass violence and protracted inter-community conflict. 1947 में विभाजन के दंगों के दौरान महिलाओं को सबसे अधिक इफेक्ट हुआ. हिंदू एंड सिख विमेन वे टारगेटेड बाय मुस्लिम्स एंड वाइसे वर्सा ड्यूरिंग द पार्टीशन रायट्स. स्वतंत्रता के बाद भारत में सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ मास sexual violence or the intention for it were witnessed. Ram Janmabhoomi Andolan ke dauran kai jagahon par wall writings ki jati thi. Main Babar ka damad hoon. Ye kehne ki avashyakta nahi hai ki iski implied meaning kya thi. December 1992 mein Babri Masjid ke demolition ke baad RSS विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के पास कोई मेजर पोलराइजिंग मुद्दा नहीं रहा. तब उन्होंने दो
बोगीज आइडेंटिफाई किए। पहला, फियर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरटेकिंग द हिंदू पॉपुलेशन। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को बहका रहे हैं, उनसे शादी करने के बहाने हिंदू गर्ल्स की वो वर बीइंग यूज्ड एज मशीन्स टू प्रोड्यूस मुस्लिम चिल्ड्रन। एज अ जर्नलिस्ट मैंने हिंदुस्तान के कई रीजन्स को विजिट किया ये जानने के लिए कि लव जिहाद के इन एलिगेशंस पर कोई सत्य है यानी कोई ट्रूथफुल है या नहीं। हर जगह वही कहानी, सभी ने इन आरोपों के बारे में सुनने का दावा किया लेकिन एक भी हिंदू लड़की से कभी नहीं मिले। They had never heard about a case directly. All stories were uncannily similar with just a few minor variations. यह स्पष्ट रूप से मिथ मेकिंग की शब्दावली के पॉपुलराइजेशन को दर्शाता है। हाल के वर्षों में लव जिहाद के खिलाफ अभियान ने 2010 से गति पकड़ी है। एलिगेशंस ऑफ फोर्सिबल मैरिज ऑफ हिंदू गर्ल्स वर मेड। जांच के बाद इन आरोपों को अदालत में झूठा पाया गया। पिछले कुछ वर्षों में कई नए संगठन स्थापित किए गए हैं। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति, हिंदू जन जागृति समिति और श्री राम सेने जैसे आदि आदि। इनका एजेंडा बहुत ही फोकस्ड है, सो कॉल्ड लव जिहाद को कैसे रोका जाए और हिंदू लड़कियों और महिलाओं का पश्चिमीकरण या फिर वेस्टर्नाइजेशन को कैसे रोका जाए। सोशल मीडिया पर अनबिलीवेबल दावे किए जाते हैं। कहा जाता है इन द ईयर 712 मोहम्मद बिन कासिम ने 1,00,000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को पकड़ा और इन्हें काबुल और कांदाहार के बाजार में नीलाम किया। अकबर ने राजपूतों को बेअसर करने के इरादे से जोधाबाई का अपहरण किया था। मुस्लिम फिल्म अभिनेताओं ने हिंदू अभिनेत्रियों से शादी की, उदाहरण के लिए सैफ अली खान, शाहरुख खान, आमिर खान एंड सो ऑन। शर्मिला टैगोर, करीना कपूर, अमृता सिंह, किरण राव जैसे एक्ट्रेसेस लव जिहाद के शिकार हुई हैं, इनका दावा है। फिल्म डायरेक्टर्स ये कहते हैं, इनका एलिगेशन है कि फिल्म डायरेक्टर्स शूट लव सीन्स बिटवीन मुस्लिम हीरोज एंड हिंदू हीरोइंस ओनली टू क्रिएट इलिसिट इमोशंस ऑफ लव। द कैंपेन अगेंस्ट दिस इमेजिनरी एंटी लव जिहाद कैंपेन reached its peak during the 2014 parliamentary elections. Karan ban gaye aur the BJP swept the entire state. Hindu girl, Muslim boy binary is chunav mein khub chala. Yogi Adityanath ko September 2014 ke parliamentary aur assembly by-elections ka coordinator banaya gaya. Unhone bhi us period mein लव जिहाद के बारे में काफी कुछ बोला। He used the love jihad plank and said that Muslims had launched the plan against Hindu girls and that it was an international conspiracy against a Hindu India. उसी दौरान बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दावा किया कि प्रत्येक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की को बहकाने के लिए 11,00,000 रुपए इनाम दिया जाता है, सिख लड़की के लिए 10,00,000 रुपए और जैन लड़की के लिए 7,00,000 रुपए। मार्च 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड्स का गठन किया था और अब बात चल रही है एंटी लव जिहाद कानून लाने की। ऑर्गेनाइजर और
पांच जने जो आरएसएस के ऑफिशियल ऑर्गन्स हैं, उन्होंने इस कंट्रोवर्शियल मुद्दे को अपने कवर पर रखकर कवर स्टोरी चलाई है। अ विजुअल डिपिक्टेड अ फीमेल फेस विद अ वेल ड्रेप्ड ऑन द फेस इन फ्रंट ऑफ द आईज एंड फोरहेड आयरन रॉड्स डिनोटेड दैट शी वाज बिहाइंड अ जेल। इंपॉर्टेंटली द फोरहेड डिपिक्टेड अ बिंदी विद ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ट्रिकलिंग डाउन। इसी तरह के कई और उदाहरण हैं। लव जिहाद अभियान राजनीति से प्रेरित है। फरवरी 2020 में इसी साल भाजपा सरकार ने संसद को सूचित किया कि इस घटना का कोई सबूत नहीं है, कोई लव जिहाद करके कोई किसी ने कैंपेन नहीं चलाया है। इसके बावजूद कई बीजेपी के नेता अब दोबारा से लव जिहाद के खिलाफ का जो अभियान है उसको रिवाइव कर रहे हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि इंटरफेथ मैरिजेस पर प्रतिबंध लगाया जाए। राजनीतिक लाभ के लिए सत्तारूढ़ पार्टी भारत में ध्रुवीकरण कर रहा है और हिंदुस्तान एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां एक समुदाय दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा और संदेह से हमेशा देखेगा। हमारा आज का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसा मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार भी हमारा ये कार्यक्रम और न्यूज क्लिक के तमाम सारे कार्यक्रमों को शेयर करिए और सोशल मीडिया पर लाइक करिए। नमस्कार। Thank you.